बताइए आप। अदीला तबस्सुम। कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर का? अच्छा था, बट क्वेश्चन थोड़े टफ भी थे। मॉडरेट क्वेश्चन थे टिक मार्क में, और जो रिटर्न में थे वो थोड़े हार्ड थे। ओके, तो जो एमसीक्यू था 140 का, अब सिलेबस बताएंगे मुझे आप? सिलेबस उसमें ज़्यादातर आपका आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा था, आईपीसी आपका एनवायरमेंटल लॉ और प्रॉपर्टी लॉ, और थोड़े बहुत जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन, और यही चीज़ें थी इसके अंदर। जनरल नॉलेज में किस टाइप का क्वेश्चन था? क्या मतलब पूरा लीगल से रिकॉर्डिंग था या फिर लीगल से रिकॉर्डिंग था? पूरा का पूरा। जी, करंट अफेयर्स कोई क्वेश्चन था? नहीं, फिलहाल का तो कोई नहीं था। नहीं, इंग्लिश किस टाइप का क्वेश्चन आया था? इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह पूछे थे, ब्लैंक्स पूछे थे हमसे, और करंट में सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो भी KGF मूवी से रिलेटेड था। तो पूरे अगर हम 200 जो नंबर का पेपर हुआ उसमें से सबसे मज़ेदार सेक्शन की बात करें आपके अकॉर्डिंग कौन सा था, यानी सॉल्व करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? वो यही जो हमारे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसमें ही ज़्यादा, क्योंकि उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भी थी, तो उसी में ज़्यादा मज़ा आया। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं, एक दो देखे थे, क्योंकि यूट्यूब पर और जहाँ पे भी हमने पूछा तो कहीं से हमें मिल नहीं पाए। अच्छा, इस वजह से। जी जी। ओके, तैयारी के लिए आपने कौन सी बुक लिया? तैयारी के लिए हमने बस अपना जो प्रीवियस हमने पढ़ा है LLB का, उसी में से हमने तैयारी की है। LLB कहाँ से किया? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। उसके बाद जामिया को चुना? जी। मतलब 140 आउट ऑफ 140 की बात करें तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने मैक्स 110 कर दिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो थोड़ा सा जी जी थोड़ा सा रिस्क भी लिया मैंने, बट बाकी अल्लाह मालिक है। जो हमारे व्यूवर्स हैं फिर नेक्स्ट टाइम LLM अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद एक तरह से आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे पढ़े, क्या पढ़े? उनको यही है कि आप अमेंडमेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो आपके आर्टिकल्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन पे आप मेन फोकस रखो, उसके अंदर से ज़्यादा आए थे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। आपका नाम बताइए। जावेद। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल में पूछूं अगर, ईजी टफ मॉडरेट, क्या बताएंगे? पेपर ईजी था। ईजी था? बहुत ज़्यादा ईजी था। सिलेबस बताएंगे आप? सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा थे, UNO रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन थे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे? मतलब आर्टिकल 19 आया था, वन अमेंडमेंट था, और आर्टिकल थे उसमें दो तीन बस। ओ, सारे के सारे। हाँ हाँ। आउट ऑफ 140 कितना अटेम्प्ट किया? मैंने मेरे 120 किए थे मैंने। श्योर है। सब्जेक्टिव का जो पोर्शन था 60 मार्क्स का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन था? उसमें फ्री लीगल एड था। कितने क्वेश्चन आए थे पहले बताए? 10 क्वेश्चन थे, 6 करने थे, मैंने उसमें से 4 किए थे। ओके, यानी हर एक मार्क्स 10 नंबर था। जी। तो आपने पूरा किया? 4 किए थे, ओनली 4। 4 किया, बताएंगे कौन कौन सा किया था आपने? मैंने फ्री लीगल एड किया था, रशिया यूक्रेन वॉर किया था, COVID-19 के ऊपर आया था, लीगल एप्टीट्यूड जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए आता है उसके बारे में लिखना था, एक मुस्लिम डिवोर्स के ऊपर, व्हाट ऑफ काइंड से मुस्लिम डिवोर्स वो किया था। अच्छा, एक तरह से मुस्लिम लॉ था। ठीक। हमारे व्यूवर्स को क्या सजेशन देंगे तैयारी करने के लिए, नेक्स्ट टाइम जो LLM करना चाह रहे हैं, मतलब पढ़ाई के रिगार्डिंग क्या पढ़ना चाहिए? ये है कि उनको BA के थ्रू अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, और BLL भी अपनी पूरी अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि बेस ही आता LLM में, पूरा LLB का बेस ही आया था। अच्छा, बस थोड़े जर्नल लेवल से UNSO भी 6-7 क्वेश्चन आए थे। आपने LLB कहाँ से किया? MDU से। LLB या फिर BLLB? BLLB की थी। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच। माय नेम इज हीना राज। कहाँ से आई आप? आई कम फ्रॉम बिहार, बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन बटलाउस। BLLB कहाँ से किया आपने? मैंने BLLB एशियन लॉ कॉलेज। कहाँ से? एशियन लॉ कॉलेज नोएडा। नोएडा, यस। उसके बाद आज जामिया आए। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा। आफ्टर एग्जाम देने के बाद मुझे एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर सपोज आप अच्छे से पढ़ते हो, दिल लगा के अगर 3 ईयर्स अगर आप रेगुलर पढ़ते हो, तो आई थिंक मेरे लिए लगता है इट्स वेरी इजी फॉर यू। यू हैव टू क्रैक दैट ऑल एग्जामिनेशन। ओके, तो तैयारी का बेस क्या था? बेस यही था, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सपोज आप कंपनी लॉ को फोकस दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, एंड देन एनवायरमेंट लॉ, बिकॉज एज वी नो दैट आफ्टर पेंडेमिक एनवायरमेंट लॉ सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है, इसी वजह से MCQ और अदर पेंडेमिक से भी क्वेश्चन आए हैं, इवन 3 क्वेश्चन आए हैं पेंडेमिक से। करंट अफेयर्स में जो अभी कुछ अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में? बिल्कुल, वेरी अमेंडमेंट हुआ, इवन बहुत सारा जैसे सपोज यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहा पेंडेमिक में, और जैसे कि अभी यूक्रेन रशियन का वार चल रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उसका क्या रोल रहा यूनाइटेड नेशन को, आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये भी बहुत ईजी था। और इवन ये करंट है जो इवन आई थिंक मुझे लगता है कि सब अवेयर है इसकी वजह से, क्योंकि विच इज़ अ वेरी इफेक्टेड फॉर होल वर्ल्ड।
अच्छा, जो सिलेबस का सब्जेक्टिव का पोर्शन था उसमें आउट ऑफ 10 6 करना था, उसमें बताएंगे क्या क्या, मतलब ब्रीफली क्या क्या क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन था जैसे सपोज पेंडेमिक में हमारा जुरिस्टिक का क्या रोल रहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा इसमें, पेंडेमिक में क्या वो इफेक्टिव रहा या जिस इफेक्टिव रहा, ये था क्वेश्चन। फिर जो हाँ बिल्कुल मुस्लिम लॉ से था कि एंड देयर इज अ वन क्वेश्चन जो रशियन यूक्रेन का था उससे क्वेश्चन था। फिर देयर इज अ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर इलीगल एक्ट विच इज आर्टिकल 24 क्लोज ए के अकॉर्डिंग था कि हर किसी को फिर इलीगल एक्ट का किसी भी लोग को आप विदाउट इन्फॉर्मेशन अरेस्ट नहीं कर सकते, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट लगा मुझे। ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल अच्छा रहा। और मैं इवन वो स्टूडेंट को भी बोलना चाह रही हूँ जो आने की सोच रहे हैं कि एलएलएम की तैयारी करें, वो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जामिया हो, डीयू, कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हो, प्लीज़ आप 6 सेमेस्टर को प्लीज़ फोकस करो, इवन उससे आउट ऑफ कहीं नहीं आएगा। और एक चीज़ और कि जो करंट अफेयर है उस पर फोकस करो, इवन आप करंट अफेयर और जो आप पढ़ रहे हो आपका एक्स्ट्रा कुछ करने की इफेक्ट नहीं है, बस आप ये दो चीज़ पर फोकस करो, इंशाल्लाह ये मेरी आपसे है कि आप निकाल लो। एक सवाल मुझे आप बताइए, आपने करंट अफेयर्स की बात करी तो क्या लीगल करंट अफेयर्स को देखना है या फिर जो जनरल करंट अफेयर्स? दोनों चीज़ को है, अभी तो दोनों चीज़ पे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, लीगल से भी आते हैं और जनरल नॉर्मली। अब नॉर्मल क्या जो चल रहा है, सपोज आई पेंडेमिक में यूक्रेन में क्या चल रहा है, अदरवाइज कि हमारे सेंटर गवर्नमेंट कौन कौन से लॉ बना रहे हैं या फिर कौन, बस यही सब चीज़ फोकस करना, ये नहीं कि इससे अलावा कुछ और आता है। जैसे सपोज यूपीएससी में, आई डोंट नो कि मेरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर मैं यहाँ का बोलूँ तो यहाँ आप जो पढ़ रहे और जो करंट अफेयर बस इस पर फोकस दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। इवन कोई बोलते हैं ये करो वो करो, कुछ नहीं, बस आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग और जो करंट अफेयर लीगल और जनरल बोथ दोनों से क्वेश्चन रिलेटेड होता है। आपका पेपर बहुत अच्छा गया, मैं आशा करूँगा आपका सिलेक्शन हो जाए यहाँ के बाद। थैंक यू सो